नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं TV9। अभी हम खड़े हैं श्री कृष्ण सेवा सदन पूर्णिया में, और हमारे पीछे जो ये मूर्ति है ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का है, जिन्हें लोग श्री बाबू और इनके कार्यों की वजह से इन्हें बिहार केसरी की उपाधि दी गई थी। श्री बाबू जो है अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में जो है बिहार के औद्योगिक क्रांति ला दी थी, और इस औद्योगिक क्रांति की वजह से जो है बिहार जो है अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया था। श्री कृष्ण बाबू जो है जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी वर्गों के लिए काम किया। वे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने देवघर में जो है दलितों के प्रवेश पर जो बैन लगा हुआ था उस बैन को हटाया, और वहां जो है आज भी अब महादलित दलित जो है वो पूजा करते हैं। मगर और आपको बता दें कि श्री कृष्ण बाबू जाति से भूमिहार थे, मगर इस भूमिहार जाति को लेकर आज बिहार में सियासत हो रही है। बिहार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने भूमिहार जाति पर टिप्पणी की है, और वही जो है अशोक चौधरी के बयान के बाद जो है बिहार में जो है भूमिहार पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। भूमिहार जाति की आबादी की बात करें तो बिहार में जो है 2.8% जो है भूमिहार जाति की आबादी है, मगर अचानक जो बिहार में जो ये भूमिहार पॉलिटिक्स शुरू हुई है इसके बारे में जो पूर्णिया के भूमिहार जाति के लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ RJD के जिला प्रवक्ता आलोक जी हैं, और जो जाति से भूमिहार भी हैं। ये बताइए, अशोक चौधरी जी के बयान को आप किस तरह देखते हैं? अशोक चौधरी जी का जो बयान वो एक आप ये जब जैसी संगति में लोग रहते हैं वैसे संगति उनका हो जाता है। तो आजकल आप लोग देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी भी बयान देने में उलटपटांग बयान दे रहे, तो उसी संगति का असर है। कोई भी जाति विशेष को टारगेट करके, लोकतंत्र में आप अगर किसी जाति विशेष को टारगेट करते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर। सभी जाति धर्म के लोग सभी जाति धर्म के लोगों को वोट देते हैं और सभी जाति धर्म के वोट से लोग जीतते हैं। तो मेरा कहना है कि ये अशोक चौधरी का बयान नहीं है, ये नीतीश कुमार जी भूमिहार जाति को गाली सुनवाने का काम कर रहे हैं। और कोई बात नहीं है, आप जान लीजिए कि भूमिहार जाति अपना आदर्श अपना नेता श्री कृष्ण बाबू को मानता है, जो श्री कृष्ण बाबू ने पिछड़ों के लिए दलितों के लिए आवाज बने। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि दलित को देवघर के मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं था, जिसे श्री कृष्ण बाबू ने लड़ाई लड़कर दिलाने का काम किया है। तो भूमिहार जाति दलितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जाना जाता है। दलितों के साथ में साथ दलितों का अधिकार अगर कोई छीनता है तो भूमिहार जाति उसके साथ दलितों का अधिकार दिलाने का काम करता है। भूमिहार जाति इसके लिए जाना जाता है। लेकिन जो अशोक चौधरी ने बयान दिया है ये भूमिहार जाति को गाली देने का काम किया है, और इसका जवाब जो नीतीश कुमार आदरणीय मुख्यमंत्री हैं बिहार का, ये जो गाली दिलवा रहे हैं भूमिहार जाति को, इसका जवाब जो है भूमिहार जाति आगामी विधानसभा चुनाव में देगी। और ये लोग जो ये भर्म में थे कि भूमिहार जाति हमारा बंधुआ मजदूर है, तो बंधुआ मजदूरी प्रथा बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में खत्म हो चुकी है। तो ये लोग फिर क्या चाहते हैं कि बिहार में बंधुआ मजदूरी प्रथा चले क्या? इस बयान से सिर्फ यही जाहिर होता है कि इनकी मानसिकता आज भी है कि बंधुआ मजदूरी की प्रथा बिहार में चले। सभी कोई जाति किसी जाति के वोटर का बंधुआ हो जाए, ऐसी प्रथा नहीं चलती है। सभी जाति सभी धर्म के लोग सभी दल को मतदान करते हैं। आलोक राज, जिला प्रवक्ता, RJD। अशोक चौधरी जी का बयान का हम निंदा करते हैं, और दूसरी ओर वो कहते हैं जब भूमिहार समाज का आक्रोश देखते हैं सारे नेताओं का, उनके दल में भी विरोध होता है, तब वो आके कहते हैं कि मेरा पुराना संबंध है। अशोक चौधरी जी दलित पिछड़ों में शिक्षित वर्ग से पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड है। दुर्भाग्य है बिहार का कि अगर वो किसी खास व्यक्ति पर बोल रहे थे तो उस व्यक्ति का नाम बोलना चाहिए था, उसमें समाज को समाहित नहीं करना चाहिए था। अब ये पॉलिटिकल इशू है या एक प्लान के तहत कहा गया है, या उनके मन में या जदयू के मन में आ रहा है कि अब हमको भूमिहार वोट की जरूरत नहीं है, तो उनको बता देना चाहते हैं कि जो बिहार प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू हुए उन्होंने पहली बार दलितों को मंदिर में ले जाने का काम किया। उसके बाद जब श्री बाबू को वक्त आया तो जमींदार समाज से होते हुए अपने समाज का विरोध झेलते हुए कम्युनिस्ट के विचारधारा को समझते हुए उन्होंने जमींदारी एक्ट खत्म कर दिया।
मुझे गर्व है इस बात का, मुझे गर्व भय है इस बात का कि मेरे समाज ने, बहुत चर्चा सुनते हैं आप लोग भी देखते हैं कि दलितों की बात आती है तो बाबा साहब का नाम कह दिया जाता है। मैं बाबा साहब का आदर करता हूं, लेकिन बाबा साहब अकेले नहीं थे उसमें, सारे जमात हमारे लोग थे। आरक्षण जो मिला उसमें हमारे समाज, हमारे पूर्वजों ने पुरजोर उसका सपोर्ट किया, मुझे भी इस बात का गर्व। लेकिन ये भ्रांति फैलाई जा रही है चंद राजनीतिकों के द्वारा और हमारे समाज को टारगेट किया जाता है। हमारे समाज को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि हम इसके लिए दूसरे को दोषी नहीं देते हैं। हमारे समाज आज निर्णय लेने में, जब वोट का समय आता है तो निर्णय लेने में वो एकमुखी हो जाते हैं, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे बीजेपी को वोट कर देते हैं। जबकि 1990 का दौर अगर आप देखिएगा तो उसके पहले तक हमारी समाज की स्वीकार्यता सभी समाज में हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें पता था सभी समाज, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को, कि आरक्षण में आम भूमिका, गरीबों के लिए आम भूमिका इस समाज ने निभाया है। लेकिन बड़ी चालाकी से संघ के लोगों ने हमें रोड पर ला दिया आरक्षण के खिलाफ, हमारे युवाओं को, हमारे युवा देह में आग लगा कर मर रहे थे, और बड़ी चालाकी से फिर वीपी सिंह को सपोर्ट कर दिया लोकसभा में, क्योंकि उन्हें तो कांग्रेस को समाप्त करना था। मित्रों, कांग्रेस तो समाप्त हो गई, लेकिन वहां से जो सवर्णों की राजनीति समाप्त हुई आज तक लौट कर नहीं आई है। आज सवर्ण भूमिहार समाज हर जगह चाकरी करने की स्थिति में आई है, इसलिए भूमिहार समाज को जगना होगा। जिस तरह से आज अशोक चौधरी जी को, चौधरी का बयान क्या जदयू का बयान मान रहे हैं आप या अशोक चौधरी जी का निजी बयान? नहीं, एक्चुअली है क्या कि अब इस पर जदयू ने खंडन कर दिया है, मैं अंध बात नहीं बोल सकता, जदयू ने खंडन किया है, विरोध किया है, तो इसे तो अब मैं निजी ही मानूंगा। लेकिन इस तरह का कोई भी राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक व्यक्ति करते हैं किसी भी जाति बिरादरी के लिए, उससे बढ़िया प्रोग्रेस की बात कीजिए, उस जात का क्यों वोट नहीं मिला इसका अध्ययन कीजिए और तब बात कीजिए। पता चल रहा है कि वहां से अपने दामाद को भी खड़ा करना चाहते हैं जो भूमिहार जाति से, जिस विधानसभा की बात, तो इसके लिए भूमिहार जाति से हैं तो इसके लिए उनको व्याकुल होने की क्या जरूरत है? जहां से वो टिकट अगर दिलवाने में सक्षम हो जाएंगे तो वहां से देखेगा उनके लोगों को, उनके समर्थक देखेंगे। आखिर उनकी ही बेटी सांभवी, वो नहीं बोल रहे हैं कि उनको भूमिहार का वोट मिल गया? ये भी बोलना चाहिए उनको कि सांभवी अगर चुनाव जीती है तो भूमिहार का वोट। हम कहां कहने जाते हैं कि भागलपुर लोकसभा में अभी जो जदयू के सांसद चुने गए हैं वो लिखना पढ़ना तक नहीं जानते हैं, और कांग्रेस से भूमिहार समाज के अजीत शर्मा थे, तो मैं, अजीत शर्मा वहां लोकसभा में चुनाव हार जाते हैं, भूमिहार मतदान नहीं करता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसी कारण से हमारे भूमिहार समाज को टारगेट किया जा रहा है कि हम अपने लोगों को वोट नहीं देते हैं और हम सिद्धांतों पे वोट देते हैं? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम विमल कुमार राय हुआ, अखिल भारतीय भूमिहार ब्रह्मऋषि महासंघ, भागलपुर पूर्णिया संयोजक।